हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ वाटर विंग की नई वैकेंसी के बारे में। देखिए, बीएसएफ ने अपने वाटर विंग के लिए कुछ नई वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई। टोटल मिलाकर 162 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। वाटर विंग क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बीएसएफ का जो वाटर विंग है, ये बांग्लादेश बॉर्डर पर करीब 933 किलोमीटर पर बॉर्डर की गार्डिंग करता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर 282 किलोमीटर का जो वाटर वाला पूरा एरिया है उसकी गार्डिंग करता है। और बीएसएफ वाटर विंग की खासियत ये रहती है कि सीमा पार, यानी जो बॉर्डर के उस पार जो पूरा वाटर वाला एरिया है, पानी वाला जो पूरा एरिया है, वहाँ से कोई आतंकवादी वगैरह इधर ना आ पाए या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो पाए, तो उसको रोकने के लिए बीएसएफ वाटर विंग काम करता है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, किन किन पोस्ट पे कितनी वैकेंसी निकली हुई, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, यहाँ पे टोटल 162 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें जनरल की 63 वैकेंसी है, ओबीसी की 38 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 वैकेंसी है, एससी के लिए 16 वैकेंसी है और एसटी के लिए 19 पोस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है। देखिए, अभी इसकी शॉर्ट नोटिस रिलीज़ की गई है, बहुत जल्द इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ अप्लाई डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और 30 डेज़ का आपके पास समय रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ग्रुप बी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा, ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 इयर्स है, मैक्सिमम 25 इयर्स है, और अगर आप कैटेगरी में रहते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। सब इंस्पेक्टर के पोस्ट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 22 रहेगी और मैक्सिमम एज 28 रहने वाली है। और देखिए, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और साथ ही साथ आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं तो हाइट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एससी कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड रहती है। चेस्ट 75-80 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। रनिंग आपको यहाँ करनी होती है 1.6 किलोमीटर, जिसके लिए आपको 8 मिनट का समय मिलता है। हाई जंप आपको करनी होती है 3 फीट 6 इंचेस, यानी कि 3.5 फीट की हाई जंप आपको करनी होती है, और साथ ही साथ यहाँ आपको लॉन्ग जंप करना होता है 11 फीट का। और अगर यहाँ रिटन टेस्ट की बात करें तो देखिए, सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो अलग रहता है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम रहता है वो अलग रहता है, उसका जो पैटर्न रहता है वो भी अलग रहता है। सबसे पहले अगर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, जहाँ जीके से, रीजनिंग से, मैथ से एंड अपनी जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब इंस्पेक्टर के अलावा अगर जो बाकी पोस्ट है, यानी कि हेड कांस्टेबल और जो कांस्टेबल की पोस्ट है, उसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे केवल आपसे जीके, रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैथ से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं और साथ ही साथ बाकी क्या डिटेल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ये बीएसएफ वाटर विंग की शॉर्ट नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन बीएसएफ वाटर विंग। डायरेक्ट एंट्री एग्जाम है 2024। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स, क्या मेल इंडियन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नॉन गैजेटेड पोस्ट आने वाली है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। वैकेंसीज की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट वैकेंसी निकली है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट वैकेंसी है एंड कांस्टेबल की पोस्ट वैकेंसी है। तो यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसी रिलीज की गई। सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए टोटल मिलाकर 7 वैकेंसी है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर इंजीनियर ड्राइवर की 4 वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की कोई वैकेंसी नहीं रिलीज की गई है, उसके बाद एचसी मास्टर की टोटल मिलाकर 35 वैकेंसी है, एचसी इंजीनियर इंजन ड्राइवर की 57 वैकेंसी है। अगर यहाँ हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है। तो आपकी जैसी भी एलिजिबिलिटी है, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की अगर यहाँ बात करें तो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आपकी जो बेसिक पे रहती है 35,400 रहती है, लेवल 6 का पे स्केल मिलता है, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद आपकी जो सैलरी बनेगी लगभग 50 से 55 हज़ार के आसपास बनेगी। वहीं हेड कांस्टेबल की पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपकी बेसिक पे 25,500 रहेगी, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी 40,000 के अप्रॉक्स बनेगी। कांस्टेबल क्रू की वैकेंसी निकली हुई है, 46 यहाँ पोस्ट है। अगर इसकी बेसिक पे की बात करें 21,700, लेवल 3 का आपका पे स्केल रहेगा, तो यहाँ आपकी 35,000 के अप्रॉक्स सैलरी बन जाएगी। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 162 वैकेंसी रिलीज की गई है।
एज लिमिट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप देख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो यहाँ 10+2 रिक्वायर्ड है, 10+2 होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट रहना चाहिए सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट की। सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 रह होना चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। ऐसे ही हेड कांस्टेबल मास्टर के पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होनी चाहिए और सेरेंग सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। बाकी आप यहाँ देख लेना, आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख लेना कि इसमें क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है। कांस्टेबल क्रू की अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बॉडी यानी मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 हॉर्स पावर और शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस, यानी कि ये सब तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 10% वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व रहने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नागा एंड मिजोस के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 73-78 रहनी चाहिए। फॉर पीपल बिलोंगिंग टू हिली एरिया से बिलोंग करते हो या स्टेट ऑफ केरला तमिलनाडु महाराष्ट्र गोवा उधर से बिलोंग करते हो या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए और 75-80 सेंटीमीटर चेस्ट रहनी चाहिए। फीस वगैरह के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है, अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो ये थी बीएसएफ वाटर विंग के वैकेंसी की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है किसी पोस्ट के बारे में, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।